हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केरन मेदांता कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का हल्ला बोल। सरहदी बाड़मेर जिले में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से तेल खनन का कार्य करने वाली केरन मेदांता कंपनी के खिलाफ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल नागाणा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी द्वारा तेल खनन के लिए हमारी जमीन 15 वर्ष पहले अवाप्त कर ली थी और हमें रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन अब कंपनी अपने वादों से मुकर रही है और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी द्वारा CSR फंड का भी उपयोग हमारे क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है और स्थानीय लोगों के वाहनों को भी कंपनी में नहीं लगाया जा रहा है। इसको लेकर हमने पूर्व में कई बार कंपनी अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से बात की, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई, इसलिए अब मजबूरन हमें हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोगों का धरना जारी रहेगा। इस धरने में आसपास के कई गांव के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों सहित युवा मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हेमंत राज पुरोहित जनप्रतिनिधि, इन्होंने ये कहा। मेरा नाम हेमंत राज पुरोहित है, पंचायत समिति सदस्य हूँ, यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। तो यहाँ धरना देने का कारण है कि यहाँ के स्थानीय जो बेरोजगार युवा साथी है उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने के लिए रोजगार दिलाने के लिए कंपनी को मांग की गई। 5-7 दिन पहले अल्टीमेट भी दिया गया मगर कंपनी ने कोई हमारी सुनी नहीं, तो इसके बाद हमने आज धरना देने का निर्णय लिया। इस पंडाल में आप देख सकते हैं 90% युवा शक्ति है जो मुरझाई हुई है, उसको हम चेहरे पर खुशियां लौटाना चाहते हैं, इसको लेकर हम रोजगार दिला के ही रहेंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए उत्तम जन चौधरी जनप्रतिनिधि, इन्होंने ये कहा। यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ हमारी जमीन कंपनी ने ले ली थी, इसलिए हमने दी थी कि यहाँ भारत का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। हमारा जीवन यापन सिर्फ ये धरती है, ये मस्त क्षेत्र में, और धरती को ले लिया तो इसके पीछे हमारा कुछ बसा नहीं, तो हमने सोचा हमारे को रोजगार मिलेगा। तो किसान है, यहाँ के सब खेती पे निर्भर है, तो किसान के लिए ट्रैक्टर और खेती पे निर्भर है। तो यहाँ तो ना किसी को मजदूरी लगा रहे हैं, जमीन ले ली पीछे बसी नहीं है, और ना कोई किसी को किसान के पास ट्रैक्टर वगैरह खेती करने के लिए, वो भी कंपनी में कभी लगा नहीं रहे, मजदूरी कुछ है नहीं। इसलिए लोगों की यहाँ पे बहुत स्थिति दयनीय बन चुकी है और प्रदूषण से भी दयनीय बन चुकी है और जीवन यापन के लिए भी दयनीय स्थिति बन चुकी है, इसलिए यहाँ पे धरना देना बहुत मजबूरी हो गया है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठकराम मेघवाल की रिपोर्ट।